Yeah, good afternoon students and welcome to this another and wonderful session of accounts. Today we are taking up another sum of not for profit organization question number 12 of your textbook page number 93 question number 12 page number 93. Following is the receipt and payment account of Chamber of Commerce BEED for the year ended 31st March 2018 and some additional information you are required to prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2018 and a balance sheet as on that day. So receipt and payment account is given opening balance of bank, then you have subscription and it is written in the bracket. Receipt and payment account is for the year 17-18. Subscription received during the year is 72,000 and in the bracket it is given that this 72,000 mila hai na bachcho isme 8,000 16-17 se relate karta hai to 8,000 16-17 se relate karta hai to apan ko kya karna padega isme se ye minus karna padega aur adjustment mein dekhte hain kya diya hua hai adjustment mein dekhte hain dekhiye ab ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर, करंट ईयर के लिए 6,000 रुपया बाकी था. इसको समझने से पहले अपने को पॉइंट नंबर 1 की जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है पहले इसको देखना पड़ेगा. तो ये इंफॉर्मेशन क्या है, ये आपको जिस तरीके से आप ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते थे ना, आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है. क्या बनानी है देखो बच्चों, आपको 17-18 का रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है. आपको कैपिटल फंड पता करने के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होगी. तो ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए आप जो ओपनिंग बैलेंस शीट 1 अप्रैल के फिगर्स को आप बैलेंस शीट के परफॉर्मा में फिट करोगे और उसके हिसाब से आप ओपनिंग आप अपना ओपनिंग कैपिटल फंड निकालेंगे. तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं अपन. अच्छा ये देखिए, ये तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर 17-18 का, ये बैलेंस शीट और ये आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट है. आप ओपनिंग बैलेंस शीट में 1 by 1 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या होता है बच्चों, आपका असेट होता है. क्या होता है आपका असेट होता है. तो यहां पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये 10,000 रुपया, ये आपका असेट हो गया. क्या हो गया, असेट हो गया. उसके बाद मशीनरी 50,000, मशीनरी आपका असेट हो गया. मशीनरी 50,000 रुपया आपका असेट हो गया. उसके बाद बिल्डिंग फंड 2,10,000 रुपया. बिल्डिंग फंड आपके लाइबिलिटी साइड में आता है. बिल्डिंग फंड 2,10,000 रुपया, 2,10,000 रुपया. तो उसके बाद इन्वेस्टमेंट 3,00,000. इन्वेस्टमेंट आपका 3,00,000 रुपया. इन्वेस्टमेंट आपने यहां पे लिख दिया, इन्वेस्टमेंट 3,00,000. यस, सो ऑल दीज फिगर्स वी हैव पुट इनटू द परफॉर्मा. अब अपन क्या करेंगे, एक चीज अपनी बाकी बची है बच्चों, केवल ये फिगर लिख करके ही आप का बैलेंसिंग फिगर मत निकाल लेना. अभी एक चीज बाकी है, वो है कैश इन हैंड या कैश एट बैंक. वो आपको कहाँ मिलेगा, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस है ना, ये 2017-18 का दे रखा है. तो 2017 का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो 2017 के एंड की बैलेंस शीट में आ जाएगा. ये जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश है, ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश या बैंक बैलेंस जो है, ये आपकी मार्च 17 में आ जाएगा. जो 1 अप्रैल 17 में, देखो बच्चों, जो 1 अप्रैल 17 में ओपनिंग बैलेंस दे रखा है ना,
वो 31 मार्च का क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। तो ये आपका 22,250 है, कितना है 22,250। अपन ने सारी चीजें लिख ली है, अब अपन क्या करेंगे इनका इसका टोटल करेंगे। ये टोटल कर लिया, इसमें से ये माइनस कर देंगे 210,000। अब 382,250 में से आप 210 माइनस करेंगे तो 172,250। ये आपका क्या हो गया बैलेंसिंग फिगर, इसको बोलते हैं कैपिटल फंड। ये क्या है आपका बैलेंसिंग फिगर, कटिंग। तो इस तरीके से आपका ये निकल गया। मैं एक बार वापस से समझा देता हूं बच्चों। देखिए ये आपको सर्टेन वैल्यूज दे रखी है, सर्टेन अमाउंट्स दे रखी है लाइबिलिटीज और असेट की। तो आप इन वैल्यूज को बैलेंस शीट के परफॉर्मा में फिट करके आप डाल करके इन वैल्यूज को आप कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस निकालते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बच्चों असेट होता है, आपने असेट साइड में लिख दिया। उसके बाद मशीनरी असेट है, आपने असेट साइड में लिख दी मशीनरी को। उसके बाद में बिल्डिंग फंड 210,000 रुपया आपने लाइबिलिटी साइड में लिख दिया। इन्वेस्टमेंट 3,00,000 रुपया आपने असेट में लिख दिया, सारी चीजें लिख दी। अब एक और चीज होती है वो बैंक या कैश बैलेंस यहाँ पे नहीं दे रखा है, लेकिन इनडायरेक्टली जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस है वो ईयर एंड की बैलेंस शीट में आएगा। देखो जो इस साल का ओपनिंग बैंक बैलेंस है वो 2017 का क्लोजिंग बैलेंस होगा। तो 2017 का क्लोजिंग बैलेंस आपने लिख लिया, सब असेट साइड की आपने टोटल कर दी बच्चों, टोटल को इधर भी लिख दिया। अब इसमें से ये लाइबिलिटीज को माइनस कर दिया तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया, इसको कैपिटल फंड लिख दिया। अब ये कैपिटल फंड को आप यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल फंड, आपका ओपनिंग बैलेंस कितना है 172,250, इतना ही है ना बच्चों 172,250। ये आपके 2 मार्क की वर्किंग, अप्रोक्सीमेटली 2 मार्क की वर्किंग हो गई। अब देखिए बच्चों अपन बात कर रहे थे सब्सक्रिप्शन की, तो अपन लिखते हैं सबसे पहले इसको अटेंड करते हैं बाय सब्सक्रिप्शन। इसको पहले समझाना यहाँ पे जरूरी हो गया है, कितना आपने 72,000 आपको मिला। अच्छा अब ये बोल रहा है इसमें 8,000 क्या है प्रीवियस ईयर का है, कब का है 8,000 प्रीवियस ईयर का है, तो जो प्रीवियस ईयर का है वो माइनस कर देंगे लेस रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर, रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर कितना है 8,000 रुपया रिसीव फॉर प्रीवियस ईयर। तो ये आपका ये इधर कॉमा लगा दिया और ये रिसीव फॉर प्रीवियस ईयर, तो ये कितना हो गया आपका 64,000 बचा। देखिए अब अपन देखते हैं आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था पिछले साल 10,000 रुपया बाकी था, कितने था बाकी 10,000 रुपया, 10,000 में से आपका 8,000 आ गया, 10,000 पिछले साल बाकी था, 10,000 में से 8,000 आ गया तो बाकी कितना बचा 2,000 रुपया। तो ये जो बाकी बचा ना ये इस साल की बैलेंस शीट में आएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। वापिस समझाता हूं बच्चों, टेंशन की कोई बात नहीं है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 16, 17 और 17, 18। देखिए आपको दे रखा है 10,000 रुपया बाकी था पिछले साल में 10,000 बाकी था, लेकिन 10,000 में से कितना आ गया 8,000, तो बाकी कितना बचा बाकी 2,000 रुपया बचा। ठीक है अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है पॉइंट नंबर 4, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करेंट ईयर वॉज ड्यू फॉर करेंट ईयर में 6,000 रुपया बाकी है, करेंट ईयर तक फॉर द करेंट ईयर वॉज ड्यू फॉर 6,000 रुपया, करेंट ईयर में जो टोटल मिलना बाकी है वो है 6,000 रुपया।
तो आपका ये 6,000 रुपया टोटल मिलना बाकी है। तो 6,000 टोटल मिलना बाकी है, उसमें से 2,000 पिछले साल का है, तो इस साल का कितना हुआ? 6 में से 2 निकालेंगे तो कितना बचेगा बच्चों? 4,000 रुपये। मैं वापस समझाता हूँ, देखिए ये 2,000 का तो समझ में आ गया होगा। पॉइंट नंबर 4 बोलता है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करेंट ईयर वॉज ड्यू, करेंट टोटल कितना बाकी है? 6,000। 6,000 में से 2,000 पिछले साल का है, 6,000 में से 2,000 पिछले साल का है, तो इस साल का कितना है? 4,000 रुपया। तो 4,000 रुपया जो इस साल का बाकी है ना, वो आप क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ऐड आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग कितना है? 4,000 रुपया। तो इस साल की कमाई कितनी है? मैं वापस से समझाता हूं, ये पॉइंट है, देखिए 72,000 रुपीज, 72,000 रुपीज आपको टोटल मिला, यह क्वेश्चन में दे रखा है, 72,000 रुपया आपको मिला, उसमें से 8,000 पिछले साल का है, 8,000 पिछले साल का है, तो पिछले साल से इस साल कोई लेना देना नहीं है, आपने माइनस कर दिया, बचा कितना? 64,000। अब 64,000 तो आपको इस साल का मिला है, लेकिन इस साल का 4,000 आपको नहीं मिला है। इस साल की इनकम निकालने के लिए जो इस साल का मिलना बाकी है ना, वो अपन क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 4,000 अपन ऐड कर देंगे तो इस साल की इनकम 68,000, और ये जो 4,000 मिलना बाकी है ना, ये आपका असेट है, इसको असेट साइड में लिख देंगे। आई होप एवरीथिंग इज नाउ क्लियर। और फिर भी कोई डाउट रह जाए ना बच्चों, तो मैं आपको एंड में व्हाट्सएप नंबर वगैरह देता हूँ ना, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर और मेल आईडी पे पूछ सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन डाउट जब ही आएगा जब आप पढ़ाई करेंगे, नो स्टडी नो प्रॉब्लम, नो स्टडी नो प्रॉब्लम, ये मैं हमेशा कहता आया हूँ। तो आप पढ़ाई करेंगे तो डाउट्स आने ही चाहिए, ठीक है बच्चों? अच्छा, ये पॉइंट मैंने यहां तक का करके ही, बाकी की चीजें मैंने डिस्कस नहीं करी थी, क्योंकि ये मेन पॉइंट था, पहले समझा दिया मैंने आपको। अब क्या है, सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी है, 20,000 की मशीन आपने 20,000 में बेची है, ये इसकी वैल्यू कितनी थी? 25,000। 25,000 की चीज 20,000 में बेची है तो लॉस है, लॉस को आप लॉस साइड में लिख दोगे, और जो बुक वैल्यू है उसको मशीन में से घटा दोगे, मैं अभी करके बताऊंगा। डोनेशन, डोनेशन के लिए आपके यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 में दे रखा है, ये बिल्डिंग फंड का है। जब कोई डोनेशन पर्टिकुलर चीज के लिए मिलता है तो आप इसे इनकम में नहीं लिख सकते, आपको वो पर्टिकुलर चीज के लिए यूज करना है, तो आप उसको, अगर आप क्वेश्चन आपको बोलता है कि ये बिल्डिंग फंड के लिए यूज करना है, तो आप इसे बिल्डिंग फंड में जोड़ देंगे। देखिए ओपनिंग बैलेंस ऑफ बिल्डिंग फंड कितना है? 2,10,000। कितना है? 2,10,000। तो आप इस डोनेशन को बिल्डिंग फंड में जोड़ देंगे, ठीक है बच्चों? अब एडमिशन फीस रेवेन्यू है, इसका मतलब ये इनकम है, इसको इनकम में जोड़ देंगे, ठीक है बच्चों? उसके बाद इंश्योरेंस, इंश्योरेंस खर्चा है जो एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खर्चा है एक्सपेंडिचर में जाएगा, बुक्स, ठीक है, बुक्स रेगुलर रेवेन्यू खर्चा नहीं है, बुक्स जो है वो कैपिटल खर्चा है, कौन सा है? कैपिटल खर्चा, और कैपिटल खर्चा बैलेंस शीट में जाएगा, कंप्यूटर फिर कैपिटल खर्चा है बैलेंस शीट में जाएगा, ट्रैवलिंग रेगुलर खर्चा है रेकरिंग खर्चा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, फर्नीचर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, फर्नीचर जो है वो बैलेंस शीट में जाएगा, और ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश या बैंक जो है वो बैलेंस शीट में असेट साइड में जाएगा। ये अपन पॉइंट नंबर 1 को डील कर चुके हैं, डेप्रिशिएट मशीनरी, तो मशीनरी को आप डबल स्टार मार्क लगा दीजिएगा, आप पेन पेंसिल से करें तो, एक तो सेल का एडजस्टमेंट है और एक डेप्रिशिएशन का है। डोनेशन को मैं हाईलाइट पहले ही कर चुका हूं तो ठीक है, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को भी मैं हाईलाइट क्यों करते हूं, ये मैं फाइनल अकाउंट के लेक्चर नंबर 8 में अच्छी तरह से समझा चुका हूं, ठीक है? अब वन बाय वन अपन
So now let us start doing one by one. Let us take each item one by one. सबसे पहले अपना सेल ऑफ मशीन. सेल ऑफ मशीन का अपन देखते हैं 20,000 में मशीन अपन ने बेची. इसकी बुक वैल्यू 25,000 थी. तो इसको बुक वैल्यू में से पहले आप मशीनरी की वैल्यू लिखते हैं असेट में. मशीनरी की बुक वैल्यू कितनी है? ओपनिंग वैल्यू 50,000 रुपये. कितनी है? 50,000 रुपये. इसमें से आपने बेचा है लेस सेल ऑफ मशीन. बुक वैल्यू कितनी थी? 25,000 रुपये. तो आप बचा कितना? 25,000 रुपया. ठीक है, आप 25,000 की चीज आपने 20,000 में बेची, तो 5,000 का आपको क्या है? लॉस है. तो लॉस कहां पे आएगा? एक्सपेंडिचर साइड में. टू लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन. लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन कितना लॉस है आपका? 5,000. ठीक है बच्चों, 25,000 की चीज आपने 20,000 में बेची, तो 5,000 का आपका लॉस है. और बुक वैल्यू 25,000 की थी, तो आपने यहां पे कम कर दिया. अब एक और पॉइंट इसमें है, डेप्रिशिएट मशीनरी बाय 2,500. तो डेप्रिशिएशन को आप कहां लिखते हो? एक्सपेंडिचर साइड में. टू डेप्रिशिएशन ऑन मशीन. का और डेप्रिशिएशन का दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? लेस डेप्रिशिएशन ऑन मशीन. कितना है? 2,500 रुपया. तो 22,500. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. अब नेक्स्ट क्या है? डोनेशन. डोनेशन के लिए क्या बोलता है ये? दे आर रिसीव फॉर बिल्डिंग फंड. तो देखिए, शुरू में अपना बिल्डिंग फंड कितना था? 2,10,000 रुपया. तो अपन लिखते हैं बिल्डिंग फंड. बिल्डिंग फंड कितना है अपना? 2,10,000 रुपया. अब इसमें अपन क्या है? ऐड डोनेशन. ऐड डोनेशन. डोनेशन कितना रिसीव किया अपन ने बिल्डिंग फंड के लिए? 55,000 रुपया. 55,000 अपन ने रिसीव किया है. तो टोटल आपका कितना हो गया? 2,65,000 डोनेशन. उसके बाद एडमिशन. ये रेवेन्यू इनकम है, तो इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में ले जाएंगे. बाय एडमिशन फीस कितना है ये आपका? 6,000 रुपया. आई होप इट इज क्लियर. तो ये साइड अपन ने पूरा रिसीव साइड को पूरा अपन ने देख लिया. सारे एडजस्टमेंट कर लिया अपन ने. डेप्रिसिएशन का कर लिया, बिल्डिंग फंड का कर लिया और सब्सक्रिप्शन का. अब इंश्योरेंस. इंश्योरेंस बच्चों क्या है? खर्चा है. तो टू इंश्योरेंस खर्चा है आपका कितना? 10,000 रुपये का. 10,000 रुपये का आपका खर्चा है. उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,000 रुपया. 4,000 रुपये आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. उसके बाद आपका बुक्स. बुक्स आपका रेवेन्यू खर्चा नहीं है. बुक्स आपका क्या है? कैपिटल खर्चा है. तो बुक्स को अपन बैलेंस शीट में लिखेंगे. बुक्स. बुक्स आई बिलीव इट इज 30,000. अपन ने बैलेंस शीट में लिया. कंप्यूटर आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है. आप बैलेंस शीट में लिखेंगे कंप्यूटर कंप्यूटर आपका 60,000. आपका कैपिटल खर्चा है कंप्यूटर. उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आपका रेगुलर खर्चा है 4,000 रुपया. आप इसे एक्सपेंडिचर में लिखेंगे टू
ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 4000 रुपया आपने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद जो क्लोजिंग कैश बैलेंस, ये कहाँ पे जाता है? बैलेंस शीट में। ये आपका असेट है ना, कैश है बैंक, तो आप इसको बैंक को लिख देंगे बैलेंस शीट में, बैंक 5250, इतना ही है 5250। सो यू हैव डन विथ ऑल दीज थिंग्स। अब अपन देखते हैं, हाँ ये अपन ने कर लिया। अब अपन देखते हैं मशीनरी, अपन ने लिख लिया इन्वेस्टमेंट, अपन ने ये ओपनिंग बैलेंस है ना, उसके बाद इस साल कुछ खरीदा नहीं है और कुछ बेचा नहीं है, तो जो ओपनिंग बैलेंस है वो ऐसे का ऐसा आपका 3 लाख रुपया आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद मशीनरी इन्वेस्टमेंट हो गया, बैंक और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अपन लिख चुके हैं, बिल्डिंग फंड अपन देख चुके हैं और कैपिटल फंड भी अपन देख चुके हैं। नाउ अब अपन क्या करेंगे, अब अपन टोटल करके अपना सरप्लस या डेफिसिट निकालेंगे। इसका दूसरा वर्ड क्या होता है, जो अपन करते हैं ना पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में, प्रॉफिट या लॉस। इधर की आपने टोटल करी, इधर की टोटल में से ये वाली टोटल खर्चों की टोटल माइनस करी, खर्चों की टोटल है 25,500। तो ये आपका इनकम में से खर्चा माइनस करा तो ये कितना आया, 48,500। ये क्या आपका, इसको बोलेंगे टू सरप्लस। ये टोटल आपका कितना है, 74,000। कितना है, 74,000, ये आपका टोटल। और ये क्या है आपका, इधर भी आप टोटल। ठीक है, अब ये जो सरप्लस होता है, इस सरप्लस को अपन कहां पे ट्रांसफर करते हैं, इस सरप्लस को अपन कैपिटल फंड में ट्रांसफर करते हैं। यहां पे लिखेंगे एड सरप्लस, ये आपका कितना है, 48,500। ये आप लिखेंगे इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, तो ये आपका इतना आ गया। अब अपन क्या करेंगे, इट साइड की टोटल करेंगे। आपने इस साइड की टोटल आपकी करी, या आउटर कॉलम में लिख लिया, या आउटर कॉलम में लिख लिया, और इधर की टोटल करी, ये आपका 4,85,000। ये इधर की टोटल आपका 4,85,750 आता है, 4,85,750 इधर का टोटल आ गया। इधर अपन देखते हैं कि अपन ने ये सारे खर्चे लिख दिए थे, एंड में ये फर्नीचर अपन ने असेट साइड में नहीं लिखा, तो फर्नीचर अपन असेट साइड में लिख देते हैं। फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू कितनी है, 62,000। अपन ने अब सारी चीजें लिख दी है, अब अपन इस साइड की भी टोटल कर लेते हैं, तो इस साइड की टोटल भी आपकी 4,85,750 है। तो इस तरीके से अपनी बैलेंस शीट मिल जाती है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से ये कन्वीनियंटली अपना सम कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कोई आपको समस्याएं हैं, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप 9833433511 पे व्हाट्सएप करिए, या मेरे मेल आईडी पे आप लिखिए, आपके सब सवालों का जवाब दिया जाएगा। ये मेरा ईमेल आईडी है,
ठीक है बच्चों, तो ठीक है आप इस तरीके से पढ़िए, कोई दिक्कत हो तो बताइए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। और मैं बोलता आया हूँ पिछले लेक्चर्स में, पेरेंट्स की हेल्प करिए।